बन रहा है ऐसे? ऊपर चलने का आवाज खड़ी 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 कर रहा है। तार से इस तरफ और दोनों तरफ बैलेंस किया गया। ऐसा स्वेटर इसको पहना दिया। अरे पेंटिंग अच्छा जैसे लग रहा है। बेचारा मेला में बिछड़ गया, ला के यहाँ रख दिया। और सामने ग्लासी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सब वे टू सस्पेंशन ब्रिज। और ये है ट्रैकिंग टैप से बनाया हुआ इस तरफ। यहाँ पर ट्रैकिंग समाप्त होती है और इस तरफ सामने दिख रहा है सस्पेंशन ब्रिज। फाइनली पहुँच गए सस्पेंशन ब्रिज। हो ग्लास ब्रिज का अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा समय मिलता तो अच्छा लगता। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कैसा लगता है। लिखा है दौड़ना कूदना बैठना सख्त मना है यहाँ पे। ऐसा ही पुल एक गुजरात के मोरबी में था जो कोलैप्स किया था। सीधा सीधा चलिए, हिलाना नहीं है, सीधा सीधा चलिए। स्ट्रेट चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा पुल हिल रहा है। आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है रॉबिन, फोटो। मम्मी का भी आग बक लग रहा है। हेलो मम्मी, थोड़ा डर लग रहा है ना? अरे तो इसी का तो ये मजा है ना, तो लगता है कि धरती भूकंप करता है। अंदर से फीलिंग आ रहा है। अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। इसी के तो पैसे दे रहे हैं लोग। यहाँ तो भीड़ नहीं है, यहाँ तो कम से कम जल्दी नहीं करवाइए। इस पर नहीं रही, पार हो जाइए तो कुछ नहीं बोलेगा। ओहो, अगर आएगा इसे करके छोड़ देंगे मोर भी जैसा हो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो तू जानते हैं भीड़ में होता है कि भीड़ में बोल रहे हैं नहीं है लोग तो देखिए आने वाला मानेगा भैया ना। आने दीजिए ना, पार हो जाएंगे उस तरफ। सेफ्टी आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। हमने दिख रहा है ग्लास ब्रिज। काफी अच्छा दिख रहा है। अरे रॉबिन पुल को हिलाते हुए चल रहे हैं। बदमाश बंदा। ऐसा ही कोई बंदा मोरबी ब्रिज पर होगा जो ऐसे कूद रहा होगा, जिसके कारण से ऐसा हादसा होगा। बदमाश बंदा। मजा आ गया लेकिन। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, मूर्ति किसका भाई? नॉर्मल पूरा, लेकिन खतरनाक लुक में है सब। सांप पकड़े हुए, ये तो सांप का मुड़ी को दबाए हुए। और यहाँ तो सांप इनका गाल ही में ऐसे लग रहा है काट लेगा ऐसा। यहाँ भी सेम। ओ माय गॉड, ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। ट्राइबल संस्कृति को दर्शाता यहाँ पर ये सब मूर्तियाँ। ये ऐसा स्वेटर इसको पहना दिया। अरे पेंटिंग अच्छा जैसे लग रहा है। बेचारा मेला में बिछड़ गया, ला के यहाँ रख दिया। और सामने ग्लासी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर भी आगे मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर एक लोमड़ी का मूर्ति है। यहाँ लिखा हुआ है कृपा जंगल के नीचे ना जाएं, एक और मूर्ति। और ये है हैंगिंग ब्रिज का नज़ारा। और वो है सामने ग्लास ब्रिज। अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छी जगह। आइए घूमिए। ऊपर चलने का आवाज खड़ी 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 कर रहा है। तार से इस तरफ और दोनों तरफ बैलेंस किया गया। ये सांप वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि सीधे गाल में ही क्यों काट रहा है। लेडी यहाँ पर बैठी हुई है।
ये बच्चा तो सुमो पहलवान जैसा लग रहा। और चलते हैं स्थान से वापस। अरे यार फाइनली ये भी एक्सपीरियंस खत्म हो गया। कैसा रहा? काफी अच्छा लगा। 3 घंटे के यहाँ के यात्रा के बाद अब हम लोग चलते हैं वापस अपने शहर की ओर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए चैनल पे। हर मैच में दूसरों की हार चाहिए, हर मूवी में बेजोड़ मार चाहिए, हर कहानी का हमें सार चाहिए, हर काम को करने का खुमार चाहिए। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए परिवार का दुलार चाहिए, सब अपनों का प्यार चाहिए, और कुछ मस्त बिंदास यार चाहिए।